हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आप अच्छे ही रहना। अगर आप लोग हमारे यह वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं, और हम आज झारखंड की उस देवभूमि के बारे में बातें करते हैं जो एक फांसी वाला मंदिर बन गया है। इस मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक है। झारखंड अपने स्थापना दिवस में अग्रिम हो रहा है, तब पल खुद में बहुत सा ठहर ही गया है। वह मुड़ कर पीछे देख रहा है, इतिहास को निहार रहा है। इस मंदिर में शहीदों की चिताएं, बलिदानियों का बलिदान, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म और राजनीति का इतिहास भी हमें पीछे मुड़कर बार बार देखने के लिए मजबूर करती है। यहाँ के कई ऐसे भी इमारत हैं जहाँ अंग्रेजों की गोलियों के निशान अब भी मौजूद हैं। यह मंदिर ऐसा है जो सदियों से पुरानों की गाथा को समेटे हुए है। इस मंदिर की बहुत सी इमारत और उनकी दीवार आज भी हमारी दुख को समेटे हुए है। तो आइए चलते हैं, और उस मंदिर का क्या नाम है उसे हम जानते हैं। वह मंदिर पहाड़ी मंदिर की कहानी है। यह बहुत ही रोचक है। यह मंदिर आज़ादी से पहले अंग्रेजों के कब्जे में था। इस मंदिर की दीवारें भी अंग्रेजों के जुल्म की दास्तान आज भी हमें सुनाती है। दीवारों की दरारों में जय हिंद और वंदे मातरम की गूंज आज भी मौजूद है। इसलिए यह मंदिर भगवान शिव के साथ साथ आज़ादी के रणबंकरों के लिए भी श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर रांची रेलवे स्टेशन से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी बाबा का पुराना नाम तिरुबुरु था। ब्रिटिश शासन काल में इसे फांसीगिरी और फांसीगढ़ी कहा जाता था। आज़ादी के बाद रांची में पहला तिरंगा झंडा यहीं पर फहराया गया था। आपको यह छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।